नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट अकेडमी। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही हॉरेंडस, हॉरिफाइंग और एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो अभी हमारे नेबरिंग कंट्री, हमारे दोस्त श्रीलंका का। तो अभी संडे को ईस्टर के दिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई और सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए। एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है टॉपिक, दैट इज टेरर रिजरेक्ट एंड श्रीलंका ऑन ऑन द डे ऑफ ईस्टर। चलिए पहले आप थोड़ा थोड़ा बारीकी से करते हैं। आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये बीबीसी का कटआउट है। तो श्रीलंका की कंट्री के प्रोफाइल देख लेते हैं। श्रीलंका जो सदर्न टिप ऑफ इंडिया, हमारे सदर्न टिप के पास ही है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आइलैंड कंट्री, बहुत सारे बीचेस हैं, खूबसूरत देश है जहाँ पे टूरिज्म अभी 2009 तो ऐसा क्या खास हुआ है, 2009 में श्रीलंका में ऑलमोस्ट 26 साल से चल रहा श्रीलंकन सिविल वॉर फिनिश हुआ। उसके बाद से श्रीलंकन टूरिज्म कुछ इस तरह से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। श्रीलंका में मेनली जो कम्युनिटीज है वहां पे सिनहलीज है और इसके अलावा तमिलियंस है। वो तमिलियंस है जो हमारे देश के मेनली माइग्रेट होकर वहां पे गए हुए हैं। श्रीलंका जो कि आजाद हुआ 1948 में और इस तरह से श्रीलंका बना 150 साल की गुलामी के बाद। चलिए थोड़ा सा और इसका फैब्रिक समझ लेते हैं, बहुत पहले का इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी और मैं आपको श्रीलंकन सिविल वॉर वगैरह सब समझा दूंगा। सबसे पहले तो 1972 जब इसका नाम श्रीलंका पड़ा, फिर साइलेंस इसका नाम श्रीलंका पड़ा। 1976 जब तमिल लिबरेशन, जब जो लिट्टे जिसको बोलते हैं LTT, जब लिबरेशन टाइगर टाइगर ऑफ तमिल ईलम ना थे वेलुपिल्ले प्रभाकरन ये थे। और इस तरह से फाइनली 1983 में श्रीलंकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और 2009 में श्रीलंकन सिविल वॉर पूरी तरह से फिनिश हुआ। वेलुपिल्ले प्रभाकरन को उनकी हत्या हो गई और पूरी तरह से लिट्टे खत्म कर दिया गया, फिनिश ऑफ कर दिया गया। यह है वेलुपिल्ले प्रभाकरन की फोटोग्राफ। यह है वेलुपिल्ले प्रभाकरन, LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, वेलुपिल्ले प्रभाकरन। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो श्रीलंका का सिविल वॉर खत्म हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यस, श्रीलंका एक ऐसा देश 26 साल से बेचारा अनफॉर्चुनेटली सिविल वॉर से गुजर रहा था। तो श्रीलंका में अभी एक जनरेशन पहले, और एक जनरेशन पहले क्या, अभी के लोगों को भी श्रीलंका में पता है कि कत्लेआम कैसे होता है, जिनोसाइड लोगों ने देखा है, सब चीजों को। तो इस वक्त पे जब अभी 10 ही साल हुए थे देश में तकरीबन तकरीबन शांति स्थापित हुए, छोटी मोटी घटनाएं तो दुनिया के हर देश में होते रहती है, लेकिन अभी 10 ही साल हुआ था श्रीलंका में शांति स्थापित हुआ और ये अचानक ही 8 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। ये बहुत बड़ी घटना है। ये आपके सामने जो कटआउट है, फैक्ट्रीट जो है, ये भी मैंने बीबीसी से लिया है, इसको भी आप देख लेते हैं। श्रीलंका में तकरीबन 22 मिलियन की आबादी है। सिन्हला भाषा जो सिन्हलीज है वो बोलते हैं, तमिल और इसके अलावा इंग्लिश। 70% लोग यहाँ के बुद्धिस्ट हैं, तो मेन जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 12.5% जो लोग हैं वो हिंदूज हैं, 10% लोग इस्लामिस्ट हैं और उसके 7.5% लोग क्रिश्चियन हैं। तो क्रिश्चियन यहाँ पे माइनॉरिटी में, जैसा कि मैंने बताया हमारे साउथ एशिया का एक कंट्री श्रीलंका, ये रहा हमारा दोस्त ही यहाँ पे ही है। श्रीलंका की राजधानी का नाम है कोलंबो, आपने सुना भी होगा, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो कोलंबो का मैच वगैरह भी देखा होगा। श्रीलंका में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो इवेंट यहाँ पे हुआ एंड बहुत ज्यादा मतलब हॉरेंडस घटना हुई यार। कुल मिला के संडे के रोज मतलब 21 को 8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कितना 2-3 बज रहा है, ये कल मतलब 22 को बीते कल में जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो और कहा जाता है उनको काफी जगहों पे बॉम्ब्स मिले, कुछ जगहों को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुए। लेकिन 21 को जो मेजर ब्लास्ट हुए हैं वो कुल मिला के 8 ब्लास्ट हुए। इन 8 ब्लास्ट में से 4 ब्लास्ट जो हुए होटल में हुए और 4 चर्चेस में हुए। जो मेजर सिटीज हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुए, इनकी कैपिटल में कोलंबो में, इसके अलावा दहीवाला के अलावा में निगम्बो में, इसके अलावा बेटिकालुआ में, जो 4 होटल्स हैं इसमें से मेनली ये लग्जरी होटल्स हैं, ऐसा नहीं कि छुटपुट सस्ते से होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स में पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, श्रीलंका में सिविल वॉर उसके बाद से इतना स्ट्रिक्ट है सब कुछ, आई डोंट नो मतलब कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई यार, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है यार। ये सिनेमन ग्रैंड होटल, दीज आर लग्जरी होटल्स माइंड यू, शांगरी ला होटल, इसके अलावा किंग्सबरी होटल,
और इसके अलावा सेंट एंटनी श्राइन, जब तक लास्ट अपडेट आया है तब तक ऑलमोस्ट 300 लोगों की हत्या हो गई है, तकरीबन 600 के आसपास लोग। ये नंबर बढ़ते हैं, हर बार ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को लगा था पहले शायद 100 के आसपास लोग अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हुआ, फिर लगा शायद 150 के आसपास है, फिर लगा 200, भगवान ना करे इससे ज्यादा हो, 300 हो गया ऑलमोस्ट। ये 300 में के बाद हम अभी ये बोला जा रहा है कि 35 से प्लस लोग दुनिया के अलग अलग देश के हैं। पहले बोला गया शायद इंडिया के 5 लोगों की डेथ हुई है, फिर वो हुआ 6, फिर ये हुआ 7, और अब शायद ये बोला जा रहा है, अब शायद ये बताया जा रहा है कि शायद 8 लोगों की डेथ हुई इंडिया की, और 8 के 8 लोग जो है, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन सदर्न पार्ट के हैं और वो भी कर्नाटका के। तो अभी 8 इतने कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट हुए यार, अनबिलीवेबल एक्चुअली। और इसमें अभी 13 सस्पेक्ट्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस अभी नेशन वाइड कर्फ्यू लगा भी था, और अभी श्रीलंका में रात के 12 बजे से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। श्रीलंका में जो अभी लोगों जो लोग जिस ख्याल में थे, जिस दहशत में, पैनिक, हम इंडिया में हैं और हम उस पैनिक को फील कर सकते हैं, तो श्रीलंका के लोगों का पैनिक होना एक बहुत ही ऑब्वियस बात है। ये पॉसिबल ही नहीं कि वहां के लोग पैनिक ना हो। श्रीलंका के लोगों के दिमाग में 3 सवाल चल रहे थे, क्या लिट्टे वापस आ गई है, क्या 26 साल के हेल से जो हम गुजरे हैं, जो सिविल वॉर को देखा है, क्या वो दोबारा देखना पड़ेगा। तो इसका जवाब ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, क्योंकि लिट्टे संपूर्णतया खत्म हो चुके हैं, तो ये लिट्टे की हरकत तो नहीं है, वेलू पिल्ले प्रभाकरण नहीं है, लिट्टे पूरी तरह से खत्म हो चुके। दूसरा सवाल जो श्रीलंका का, कहीं ये इतना ऑर्गेनाइज्ड हमला हुआ है तो ये बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप, या जो पैटर्न है इसका, इट्स वेरी मच सिमिलर टू जैसा आईएसआईएस करता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और उस रीजन को लेवांत भी कहते हैं, बहुत ही उपजाऊ जगह है, तो उस पूरी जगह को लेवांत भी कहते हैं, इसलिए कई बार आईएसआईएल के नाम से संबोधित किया जाता है। कहीं ये चीज आईएसआईएल ने तो नहीं किया है? आईएसआईएस हो आईएसआईएल हो, उसी को बोलते हैं दाएश, कहीं इन्होंने तो नहीं किया है? तीसरा सवाल, श्रीलंका में एक ग्रुप है छोटा सा जो समझ है, जिसको बोलते हैं बीबीएस, बोधु बाला सेना। तो वहां पे ये लग रहा था, जो बात चल रही थी वो कहीं बोधु बाला सेना ने तो ऐसा नहीं किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमिस्ट मैं समझता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है यार। 8 बॉम्ब, क्या होता है 8 बॉम्ब, और अगले दिन भी अभी भी बॉम्ब देश में इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। आई डाउट बोधु बाला सेना इतना कुछ, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। खैर जैसा भी है, हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वैसे ही इसका में है TRCSL, टेलीकॉम्स रेगुलेटरी कमीशन ऑफ श्रीलंका। तो इन्होंने श्रीलंका में जितने भी सोशल मीडिया साइट्स थे उनको पूर्णतया अभी के लिए टेम्परली से शट डाउन कर दिया है। यहां तक ठीक है? तो जो मैं वो घटना बोल रहा हूं, अगर हम लोग इसको संक्षिप्त में देखें, तो ये सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ नहीं थे, इट्स अ सीरीज ऑफ वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड वेल कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट। एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, 8 बॉम्ब ब्लास्ट में हुए और 4 होटल्स में हुए। ईस्टर के डे के दिन माइनॉरिटी कम्युनिटी श्रीलंका, 7.5% जहां पे ईसाई कम्युनिटी है, ईस्टर जो लोग सेलिब्रेट करते मेनली कैथलिक्स हैं, अभी ये डेथ नंबर ऑलमोस्ट 300 के आसपास हो गया। फॉरेनर्स अभी तो जब तक मेरे पास नंबर है 35 के आसपास। जैसा कि मैंने बताया, अभी वहां के लोगों में भय भय है, और सबसे बड़ा भय तो वहां के लोगों में ये है कि अभी 10 ही साल हुआ था सिविल वॉर खत्म हुए, कहीं ये दोबारा तो शुरू नहीं हो रहा है। क्या ये लिट्टे है, क्या ये आईएसआईएस है, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट बीबीएस, बुद्धिस्ट लिखने का मतलब बीबीएस है, वो तो नहीं है। तो अभी फॉर द टाइम बींग टेम्पररली जितने भी सोशल मीडिया साइट्स उनको ब्लॉक कर दिया गया। श्रीलंका के ही जो मिनिस्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मिस्टर इनका नाम है मिस्टर हर्षा डिसिल्वा। हर्षा डिसिल्वा साहब ने कहा, ओके मैं शायद, हाँ ये मैं फोटोग्राफी रखा हूँ, मिस्टर हर्षा डिसिल्वा ये रहे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन साहब का कहना ये है कि
जो सेवेंथ और एट्थ एक्सप्लोजन हुआ, जो दहेवेला में हुआ, दमातागोड़ा में हुआ, ये शायद, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद इन जब ये लोग लॉ एंड ऑर्डर से भाग रहे थे उसका नतीजा था। तो ये जो दो बॉम्ब ब्लास्ट और हुए, तो ये दहेवेला में और इसके अलावा दिमातागोडा में, दिमातागोडा इज वेरी नियर टू कोलंबो, सो यू कैन कंसिडर कोलंबो, सो दहेवेला में एंड दिमातागोडा में, तो इन एरियाज में जो ब्लास्ट हुए, सेवेंथ एंड एट्थ ब्लास्ट सीम बाई दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स रनिंग फ्रॉम द लॉ, तो वो लोग जब भाग रहे थे तो शायद उस वक्त हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, सो मैत्रीपाला सिरिसेना साहब ने क्या कहा, मैत्रीपाला सिरिसेना साहब ने कहा इस मोमेंट पे हम बिल्कुल चाहेंगे कि देश के सभी लोग कोऑपरेट करके रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने कहा मैंने ऑलरेडी कहा है पुलिस से, आर्मी से, आर्मी को तो खैर डिप्लॉय कर लिया गया है, जितने भी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी वहां पे डिप्लॉय कर लिया गया, वहां पे मिलिट्री मिलेगी आपको। इसके अलावा इसमें जो भी इस कंस्पिरेसी में षड्यंत्र में जिम्मेदार पाया जाता है उसके खिलाफ स्टर्न से स्टर्न एक्शन, टफ से टफ एक्शन लिया जाए, ऐसा मैत्रीपाला सिरिसेना साहब ने क्लियर कर दिया। देश के सभी लोगों को कहा है कि बिल्कुल की स्थिति, लेकिन आपस में कोऑपरेट करके रहे, जो भी लोग कॉन्स्पिरेसी में पकड़े जाए स्टर्न एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ, और जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एंड डिफेंस को कहा है कि टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर देश में बनाए रखने के हर पॉसिबल स्टेप को ले। श्रीलंका जैसा देश जो अनफॉर्चुनेटली 26 साल तक के सिविल वॉर का शिकार रहा, ये इतनी बड़ी घटना श्रीलंका के लिए भी एक्सट्रीमली शॉकिंग है। श्रीलंका में आपको बहुत अभी अभी श्रीलंका के पिछले 2 दिन में बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखेंगे आपको इस तरह की, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सर आपने एक बात बोला कि श्रीलंका में भी अनफॉर्चुनेट है जो ऑलरेडी 26 सिविल वॉर का शिकार है। यस, बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड, बिकॉज द स्केल ऑफ द अटैक, बिकॉज द सोफिस्टिकेशन ऑफ द अटैक, बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अटैक। आपको सिर्फ एक नंबर बताता हूँ, भारत में 26/11 हुआ था उसमें तकरीबन 160 से 170, अब चलो ऑलमोस्ट वो भी इतनी एक अनफॉर्चुनेट घटना, तकरीबन 200 लोग मान लो, 160 से ऑफिशियल नंबर बोलता है, 170 के आसपास लोगों का डिमाइस हुआ था। इस घटना में तकरीबन 300 लोग, ऑलमोस्ट 300 नहीं है, आप समझ पा रहे इसका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं। सो द स्केल, द मैग्नीट्यूड, द क्वांटम ऑफ द अटैक, द सोफिस्टिकेशन ऑफ दिस अटैक, ये इतना सोफिस्टिकेटेडली कैसे कंडक्ट किया गया इस अटैक को, ये बहुत ही सरप्राइजिंग, शॉकिंग एंड थोड़ा सा ना माइंड बॉगलिंग भी है। दूसरी चीज, पुलिस ने जैसा मैंने आपको बताया, कुछ अभी न्यूज पोर्टल्स का ये कहना है कि मंडे को जब पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस, तो और कुछ बॉम्ब्स भी ढूंढ के निकाले, कुछ बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया गया, कुछ बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए हैं। तो पुलिस ने देश के सारे नागरिकों को कहा है कि आप अपने घर में रहिए, शांति बनाए रखिए। जैसा मैंने आपको बताया हैवी मिलिट्री प्रेजेंस आपको श्रीलंका में भी देखने मिलेगा स्टेट बिल्डिंग के सामने। भारत की मिस गांगुली जी जो है, मीनाक्षी गांगुली जी जो है, जो साउथ एशिया जो ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर साहिबा भी हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा। आपको पहले गांगुली जी दिखाया, ये मीनाक्षी गांगुली साहिबा जो है द साउथ एशिया डायरेक्टर एट ह्यूमन राइट्स वॉच, इन्होंने कहा कि बहुत ही प्रीमेच्योर हो जाएगा ये कंक्लूड करना, क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी तक किसी भी, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करो कम से कम तब तक तो किसी भी आतंकवादी संगठन ने खुद से अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक। हालांकि बात कर रहे हैं एनटीजे के बारे में लोग, मैं हम आते हैं उस पर, लेकिन अभी तक किसी ने बोला नहीं कि हमने ये किया है। तो इन्होंने कहा कि ये शायद थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा इतना अर्ली कंक्लूजन कि ये रेडिकलाइज्ड मुस्लिम संगठन द्वारा किया गया। यही बात सोशल मीडिया में भी है, यही बात आपको बीबीसी और वेस्ट की मीडिया आउटलेट्स में भी दिखेगी, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, मैंने उसमें से ज्यादातर न्यूज सोर्स पढ़ ली अभी, देख लीजिए। तो आपको ज्यादातर एनटीजे का नाम दिखेगा, आते हैं उसमें क्या है वो क्या नहीं है, तो वो देखने की चीज होगी। अभी थोड़ा सा हमको मतलब अभी
जैसे जितना इंफॉर्मेशन बाहर आएगा उसके बाद पता चलेगा। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, डोमेस्टिक टेररिस्ट जो किसी भी देश की पेरीफेरी के अंदर लड़ते हैं इतना नॉइज क्रिएट करते हैं कि उस देश की सरकार को सुनाई देना चाहिए, लेकिन एक इंटरनेशनल टेररिस्ट वो होता है जो इतना शोर क्रिएट करता है कि दुनिया को सुनाई देना चाहिए। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है एक डोमेस्टिक टेररिस्ट में और एक इंटरनेशनल टेररिस्ट में। डोमेस्टिक टेररिस्ट सेंड अ मैसेज टू द गवर्नमेंट लाउड एंड क्लियर, द इंटरनेशनल वंस सेंड इट एवरीवेयर। और जिस तरह से पूरी दुनिया का रेस्पॉन्स आया है, चाहे वो पोप का रेस्पॉन्स आया हो, चाहे वो एंजेला मर्केल जी का रेस्पॉन्स आया हो, चाहे वो थेरेसा मे का रेस्पॉन्स आया हो, चाहे वो मिस्टर ट्रम्प का रेस्पॉन्स आया हो, चाहे वो माइक पोम्पियो का रेस्पॉन्स आया हो, हमारे मोदी साहब तो खैर करेंगे, नरेंद्र मोदी, हम तो अपना तो नेबर, अपना तो दोस्त है श्रीलंका, तो अपना तो बनता ही है करना। जिस तरह से पोप फ्रांसिस से लेके सभी लोगों ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया है, ये पता चलता है कि पूरी दुनिया ने इस अटैक को सुना तो है और पूरी दुनिया के लिए कितना मतलब गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली इस अटैक को प्लान किया गया और इतना कोऑर्डिनेट किया गया, दुनिया के कई इंटेलिजेंस का मानना ये भी है, कुछ बुद्धिजीवियों का मानना ये है कि ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग और ये पैटर्न है इसका एग्जीक्यूशन है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आईएसआईएस इसके लिए जिम्मेदार है। आईएसआईएस बोलो, आईएसआईएल बोलो, दाएश बोलो, कुछ भी बोलो, नॉमेनक्लेचर में क्या रखा है। लेकिन अगर इसके लिए आईएसआईएस जिम्मेदार है इस हीनियस हॉरेंडस घटना के लिए, तो ये तो अपने आप में बहुत ही खराब घटना है। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि इसका मतलब हमारे नेबरहुड में और हिंदुस्तान से इतना करीब, हमारे नेबरहुड मतलब साउथ एशिया में ये ब्लास्ट किया है आईएस है, अगर आईएसआईएस जिम्मेदार है तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग भी है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। श्रीलंका में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेनली 70% जो है, मेजोरिटी वही है, 70% है। हिंदूज जो है वो 12.5% है, मुस्लिम जो है वो 10% है, एंड माइनॉरिटी 7.5% है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फैक्ट शीट दिखाया था जो मैंने बीबीसी से लिया था, ये बीबीसी में मिल जाएगा आपको, बीबीसी में कंट्री में सर्च कीजिएगा आपको ये मिल जाएगा। पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 22 मिलियन है। लैंग्वेज जो बोली जाती है आज के टाइम पे तो अब तमिल को भी वो देते हैं लोग इम्पोर्टेंस, सिनहलीज, तमिल एंड इंग्लिश, बीच में जब सिविल वॉर टाइम था उस टाइम पे नहीं था ऐसा। बुद्धिज्म, हिंदुज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको मेरी बात एक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। 2018 में एक्चुअली देखो यार, दुनिया के हर देश में ना थोड़ा ग्लिचेस, थोड़े ना थोड़े मतलब यू नो, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में वाद विवाद चलता रहता, होता रहता है। तो आप श्रीलंका में 2018 में देखोगे तो 2018 में श्रीलंका में कई सारी घटनाएं हुई थी, उसमें से कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बीबीएस जो एक्सट्रीमिस्ट बुद्धिस्ट ग्रुप है उनके बीच में और मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में कुछ झड़प भी हुई थी। वो इसलिए भी हुई श्रीलंका में जो एक्सट्रीमिस्ट, एक 3 साल पहले एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना श्रीलंका जिसका नाम है एनटीजे, उसने गौतम बुद्ध की, लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमाओं को खराब कर दिया था। तो उसके बदले में कुछ स्टर्न एक्शन जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने, बीबीएस ने स्पेशली लिया था। और बाद में 2018 में मार्च के महीने में अगर आपको याद होगा, पिछले साल की बात है, तो श्रीलंका को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी और कुछ कुछ घटनाएं भी हुई थी इसमें। तो इस तरह की छुटपुट घटनाएं, मतलब इस तरह की घटनाएं वहां पे अभी 2018 में हुई हैं। एक फेसबुक के न्यूज फीड के चलते, एक प्रोबेबली शायद र्यूमर के चलते और भी कुछ कुछ घटनाएं हुई थी। तो ऐसे ना ग्लिचेस के मतलब ये दुनिया के हर देश में होता है, कि कोई अलग चीज नहीं है, तो ये होता है। लेकिन वहां से इवेंट का यहाँ तक आ जाना, आई डाउट कि ये मतलब टोटली ओपिनियन है, लेकिन आईएसआईएस चाहे बोलो, चाहे दाएश बोलो, चाहे एलटीटी बोलो, चाहे बीबीएस बोलो, इतनी बड़ी घटना नहीं।
ने अपने कंडोलेंसेस व्यक्त किए और पोप फ्रांसिस ने एग्जैक्टली ये कहा, आई लर्न विद सैडनेस एंड पेन टू पेन ऑफ न्यूज ऑफ द ग्रेव अटैक्स दैट प्रिसाइसली डे ईस्टर brought mourning and pain to this and other places where people were gathered in Sri Lanka. I wish to express my affectionate closeness to the Christian community hit while it was gathered in prayer and to all the victims of such cruel violence. Ye Pope Francis saab ne kaha. Angela Merkel ji ne kaha, deliberately minority ko attack kiya gaya hai. ये बहुत ही शॉकिंग है दैट पीपल हु हैव गैदर्ड टू सेलिब्रेट ईस्टर उनको जानबूझ के टारगेट किया गया, डेलिब्रेटली टारगेट किया गया. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहिबा थेरेसा मे, तो थेरेसा मे जी ने कहा, द एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चर्चेस एंड होटल्स इन श्रीलंका वर एक्सट्रीमली अपैलिंग. बहुत ही विभत्स, बहुत ही गंदा, बहुत ही हॉरेंडस. My deepest sympathies go out to all those affected at this tragic time. We must stand together to make sure that no one should ever have to practice their faith in fear. Chahe wo majority ho, chahe wo minority. Ye statement inhone bahut acha kiya, ye statement kaha hai, ye bahut hi acha point hai. Dusri baat, iske alawa hamare ek aur padosi Pakistan ke Prime Minister Mr. Imran Khan ne kaha ki hum is tarah ke हॉरेंडस हॉरिफिक इवेंट की भरतक निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और अपने कंडोलेंसेस व्यक्त किए श्रीलंका को, श्रीलंका के राष्ट्रपति साहब को. इसके अलावा यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, जब तक डोनाल्ड ट्रंप के पास ये नंबर पहुंचा था तब तक डेथ उस वक्त 138 डेथ हुई थी और तकरीबन 600 लोग इंजर्ड थे. तब उन्होंने कहा कि हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज हैं श्रीलंका के सभी लोगों को, यूनाइटेड स्टेट्स के सभी लोगों की तरफ से, एंड वी स्टैंड रेडी टू हेल्प. इस तरह के पे इस तरह का स्टेटमेंट बोलना बहुत ही अच्छी बात है. वी स्टैंड रेडी टू हेल्प, जिस भी तरह की आपका हेल्प चाहिए. आप देख सकते हैं मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट बोला, मिस्टर मोदी ने जो कहा, वी स्ट्रांगली कंडेम द हॉरिफिक ब्लास्ट इन श्रीलंका. There is no place for such barbaric इस तरह का जो horrific पागलों जैसे जो घटना है in our region, South Asian region, Asian region, India stands in solidarity with the people of Sri Lanka. My thoughts are with the bereaved families and prayers with the injured. तो ये मोदी साहब ने कहा. इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि अभी वहां पे जितने भी सोशल मीडिया है सब ब्लॉक कर दिया गया, टेम्परेली ब्लॉक किया गया, बट हाँ इस तरह से आप देख सकते हैं हमें ब्लॉक कर दिया गया अभी के समय में. ये ब्लॉक करना इसलिए भी जरूरी था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जिस तरह से बताया, 2018 में भी देखा गया था एक फेसबुक न्यूज पोस्ट ह्यूमर से कम्युनल राइट का रूप ले लिया था. सो कम्युनल राइट्स अभी तो श्रीलंका एफोर्ड ही नहीं कर पाए. एक बात मैं आपको बता देता हूं कि श्रीलंका में 26 साल सिविल वॉर चला है. इस बार श्रीलंका बिल्कुल नहीं चाहती कि इसके तरह या इसके आसपास भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो और इसलिए श्रीलंका में नेशनल इमरजेंसी लगी है ताकि पुलिस और आर्मी ढूंढ के निकाले. और अब तो इंटरपोल भी शामिल हो गया. आपको अगर पता होगा तो मैं आपको लास्ट में शायद मेरे ख्याल रखा है मैंने ट्वीट आपको इंटरपोल का, मैं आपको भी दिखाता हूँ. तो इंटरपोल की तरफ से भी एक टीम आई हुई है बाकायदा. आई डोंट नो यार, somehow फेसबुक में आपको याद है न्यूजीलैंड में जो चर्च में हुआ, बहुत ही खराब. ये सब एक्सट्रीमिस्ट लोग जितने भी हैं, जो भी हुआ था वो बहुत ही, वो लोग भी मस्जिद में पूजा प्रार्थना करने गए हुए थे लोग, और जो कुछ भी हुआ था वो लाइव फीड हो रहा था फेसबुक में. ओ माय गॉड, मतलब किस हद तक बारबेरिक हो सकता सब कुछ यार. आप सभी लोग देखिए, अभी थोड़ा ना थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे, 3000 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन आया और जब उस खुदाई की गई, एक्सट्रैक्शन किया गया, तब ये पाया गया कि दैट वाज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसा हम आज बात करते हैं उस तरह की सोसाइटी थी. लोग, उनके पास हथियार नहीं थे,
शांत सोसाइटी में रहते थे। कहीं ना कहीं पता नहीं हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बारबेरिक होते चले जा रहे। 3000 BC वाली सोसाइटी जो थी वो ज्यादा सिविलाइज थी, शायद हम लोग ट्राइबल होते चले जा रहे। ऐसा तो नहीं कहीं कि हम लोग अस और देम क्रिएट करते चले जा रहे। हम सब इस कैप्सूल के अंदर, वी आर सेफ आउटसाइड दिस कैप्सूल सेफ। अस प्रोबेबली फ्रॉम सेम कंट्री, फ्रॉम सेम एथनिसिटी, फ्रॉम सेम कलर, कास्ट एंड क्रीड आर सेफ, आउटसाइड दिस इज नॉट सेफ। ये बहुत ही डेंजरस सिनेरियो जो दुनिया में क्रिएट हो रहा है। फेसबुक ने कभी शायद ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम पे पूरी दुनिया में, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये डिस्कशन शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बहुत सारे कंट्रीज और शायद पूरी दुनिया में परमानेंटली शट डाउन किया जाए, क्योंकि डिस्कशन शुरू हो चुका है। इसके लिए फेसबुक को कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा। क्राइस्टचर्च में भी जो सबसे बड़ा डिस्कशन हुआ था वो यही हो रहा था। अभी तो फेसबुक को और सोशल मीडिया साइट्स को टेम्परेली बैन कर दिया गया है, लेकिन देखते हैं जब ये बैन हटता और जब ये लोग, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि ये र्यूमर्स जो है इस तरह से वाइल्ड फायर की तरह ना फैले। जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके कुछ पहले तक के बीबीसी की वेबसाइट में देख सकते हैं, मैंने बीबीसी की वेबसाइट कटआउट लगाया, डिस्कशन हो रहा था आखिर ये है कौन एनटीजे। ये आप देख सकते हैं बीबीसी का मैंने कटआउट लिया है, श्रीलंका अटैक्स हु आर नेशनल तौहीद जमात, जिसको वो लोग लिखते हैं एनटीजे। आप सच बताइए, अगर आप श्रीलंका नहीं भी है नहीं होंगे ना, तो इस संडे के पहले तो यार हम भी नहीं सुने थे एनटीजे का नाम। मतलब मैं अपना बता सकता हूं, 3 साल पुराना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 3 साल पुराना एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लगता है कि 3 साल का, इसके पहले तक के इनका क्रेडेंशियल क्या है? बुद्धिस्ट लोगों को परेशान करना, गौतम बुद्ध की प्रतिमा को बर्बाद करना, उन सबको तोड़फोड़ मचाना। वो तो जो एक्सट्रीमिस्ट बुद्धिस्ट है, उनकी जड़ा पड़ा बहुत आम बात। मैं आपको बोला था ना, वो जो कल्चरल डिफरेंसेस वो यही सब थे। तो वहां से लेके ये एक लिटिल नोन ग्रुप है एनटीजे, नेशनल तौहीद जमात। ये आप चर्च की फोटोग्राफ देख सकते हैं, जो सेबेस्टियन चर्च जो है निगोम्बो में, जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। वहां से लेके इतना बड़ा 8 बॉम्ब का सीरीज सीरियल ब्लास्ट करना, ये थोड़ी अटपटी है यार। और सिर्फ ये हमें आपको अटपटी नहीं लग रही है, श्रीलंका के राष्ट्रपति साहब को भी अटपटी लग रही है। और उन्होंने ये कहा, वी डोंट सी दैट ओनली अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री कैन डू ऑल दैट। तो श्रीलंका में भी ये सारी, और श्रीलंका में भी ये बात हो रही है। प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा, बिना इंटरनेशनल असिस्टेंस के इतनी बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक तो है ही इंटरनेशनल असिस्टेंस का। देखते हैं उस पर क्या होता है, अभी कुछ दिनों में तो क्लियर हो ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अनफॉर्चुनेट घटना में तकरीबन 300 लोग, दोस पीपल वर नॉट डेस्टिन टू डाई, आज शायद हमारे बीच नहीं रहे। इनमें से ऐसा कहा जाता है कि 35 जो हैं वो दूसरे देशों के, फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं। जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, तो अभी जो लास्ट अपडेट जो मेरे पास है, ऑलमोस्ट 10 बजे 22 तारीख की रात को, तो ब्रिटिश मैन कन्फर्म्स फैमिली किल्ड। ये ब्रिटिश नागरिक है, इन्होंने बताया, इन्होंने खुद से कन्फर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली इनकी पत्नी है जो नहीं रही है दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली इनके सुपुत्र ये भी नहीं रहे, और उनकी बेटी छोटी सी प्यारी सी 11 साल की ये भी नहीं रही। डेनमार्क के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ये 11:22 रात के 9:30 बजे के आसपास इन्होंने बताया, इनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे जो वहां पे थे वो नहीं रहे। इससे ज्यादा मतलब पेनफुल क्या हो सकता है यार। और नाम डिस्क्लोज करने से मना कर दिया उन्होंने। वैसे आप ये देखेंगे तो आपको बहुत सारे फेसबुक और इधर उधर न्यूज पोस्ट मिलेगी, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट यार। अभी ऑलमोस्ट 9:45 बजे तक के इंडिया में डेथ टोल, जो मैं आपको बता रहा था, पहले तो 5 था, फिर 6 था, वो बढ़ते बढ़ते 7 से 8 हो चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सभी लोग सदर्न स्टेट के हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन शायद ऐसा कहा जा रहा है कि सभी लोग कर्नाटका के, मिनिस्ट्री ने तो कंफर्म किया है।
ये इंटरपोल का, और ये इंटरपोल का ट्वीट देख सकते हैं आप शाम के 4:30 4:15 बजे का है। ये रहा इंटरपोल एचक्यू का ट्वीट है, द इंटरपोल जिसको ये लोग आईआरटी बोलते हैं, इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम, जिनकी एक्सपर्टीज होती है क्राइम सीन्स के एग्जामिनेशन में, एक्सप्लोजिव में और ये सारी की सारी चीजों में, तो इन्होंने ट्वीट क्या किया, पहले एक बार ट्वीट हम पढ़ते हैं। द इंटरपोल इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम बींग डिप्लॉयड टू श्रीलंका, तो डिप्लॉय कर दी गई है, इंक्लूड्स स्पेशलिस्ट विथ एक्सपर्टीज इन क्राइम सीन एग्जामिनेशन, एक्सप्लोजिव, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इनके माइक पॉम्पियो जो है, याद रखिएगा जब 26 साल का जो इनका सिविल वॉर चल रहा था, आपको ध्यान है कैसे खत्म हुआ था, 26 साल का सिविल वॉर, जब श्रीलंका ने फ्री हैंड दे दिया था अपनी आर्मी को और फिर सीधा गोलियां चली थी और सिविल वॉर से खत्म हुआ था, तब बार बार यूएस का कहना था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत भयंकर तरीके से श्रीलंका कर रहा है। और आज यूएस ने जो कहा, आज यूएस ने कहा द यूएस कंडेम्स द स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द ईस्टर मॉर्निंग टेरर अटैक इन श्रीलंका। ओके, दीज अटैक्स डेमोन्स्ट्रेट द ब्रूटल नेचर ऑफ टेररिस्ट दो whose sole aim is to threaten peace and security, we offer our deepest condolences. And, जो मैंने आपको थोड़ी देर भी कहा था, ये काफी important है, stand with the government and people of Sri Lanka. तो ये tweet 21st को रात के 10 बजे almost उन्होंने किया। ये बहुत ही कठिन समय है श्रीलंका के लिए और श्रीलंका के लोगों के लिए, शायद पूरी दुनिया के लिए भी, ये शायद बहुत ही कठिन दौर है। हमारी तरफ से, हम, आप, मैं, आप, हम सभी, भारत की तरफ से और भारत के जितने भी लोग, उन सभी लोगों की तरफ से श्रीलंका को कंडोलेंसेज हैं इस हॉरिफिक एंड हॉरेंडस इंसिडेंट के लिए। भगवान करे जितने भी लोग इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे वो श्रीलंका के थे या दुनिया के अलग अलग जगहों के थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर शांति स्थापित हो। कुछ वक्त लगेगा, तो नेशनल इमरजेंसी लगे, कुछ वक्त लगेगा जरूर, लेकिन भगवान करे इस तरह के टेररिस्ट इवेंट, जो इतने खतरनाक इवेंट्स हैं, जो शायद हेट्रेड का आउटकम है, ये खत्म होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोग विदा लेता हूं। ये था हमारा आज का टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। बहुत बड़ी टेक केयर।